वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में वेजिटेबल्स है। आज हम बना रहे हैं चाइनीज चावल। चलिए हम किचन में चलते हैं चाइनीज चावल बनाने के लिए। आज हम चाइनीज चावल को थोड़ी देसी तरीके से बनाएंगे। अब हम लेंगे छोटे से प्याज, उसको कट करके घी में डाल देंगे। अब हमने काट के प्याज डाल दी है, अब उसकी चिकन कलर होगी पट पट करके। जब प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम बातें कर रहे हैं। आप बताएं आपके शहर में कितनी गर्मी हो रही है। अब प्याज के साथ हम थोड़ा अदरक लहसुन डालेंगे। अब हम इनमें चीजें शामिल कर लें, शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, आलू। अब थोड़ा सा चिकन। अब हम करेंगे सबसे पहले गाजर ऐड, क्योंकि इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ी देर के लिए गाजर को हल्के आंच पर दे, क्योंकि उसको सॉफ्ट होने दे। जब तक गाजर गल रही है हम तब तक चीज़ें नोट कर लेते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस। हमें अब दो अंडे चाहिए। अब गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो गया, अब इसके अंदर हम डालेंगे बंद गोभी। हमने अब सारी वेजिटेबल डाल दिया, हम डालेंगे चिकन टॉप। अब वेजिटेबल जो वो पक रही है, उनकी वो कह रही है हमें बहुत मजा आ रहा है, उनकी चीखें भी निकल रही है। एक बात याद रखने है, अगर चिकन डालना है तो पूरा नहीं डालना, उसके छोटे छोटे रेशे करके डालना। अब हमारी वेजिटेबल्स रेडी, हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। इसमें स्पाइसेस एडेड कर दिए थे, अब इसके अंदर हम चावल 15 मिनट बाद मिलते हैं, तब तक हम अंडों को फ्राई कर लें। अब हमने अंडा डाल दिया, अब इसको आस्ता आस्ता हम तोड़ेंगे, आस्ता आस्ता पकाते जाएंगे। ज़्यादा अंडे नहीं पसंद। इसका खाना आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना।